देश भर में गूंजा राम मंदिर का शोर। अयोध्या में जहां राम लल्ला विराजमान है वही स्थान पर भव्य राम मंदिर बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और ये हमारा देश की जनता को वादा है। अयोध्या के लिए शुरू हो गई राम भक्तों की रवानगी। जर का आजचे दिन हा जुमला होता, प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये येणार हा जुमला होता, तर राम मंदिर हा सुद्धा जुमला आहे का? ह्याचा एकदा सोक्षमोक्ष लावून टाका ना। काय श्री राम मंदिर के लिए हिंदू राजी। एक हम लोग मांग किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में नित्य बेंच बना करके नित्य सुनवाई की एक समय सीमा रख दिया जाए कि इतने सीमा के अंदर में इसको निर्णय कर देना। श्री राम मंदिर के लिए मुसलमान भी राजी। आज जो है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के लिए कानून बनाया जा रहा है, हमें कोई इतराज नहीं है, बनावे कानून। राम मंदिर के लिए बीजेपी राजी। समय आने पर सारे कार्य इसी प्रकार से सफल होते हुए दिखाई देते हैं। संवैधानिक दायरे में रह करके समस्या का समाधान का रास्ता हम लोग निकालने का। राम मंदिर के लिए कांग्रेस भी राजी। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे मुसलमानों से मिलवा दो, मैं मुसलमानों से कहलवा दूंगा आपको। वो खुद चाहते हैं कि राम मंदिर बने, लेकिन कहाँ बने इसका फैसला मैं और आप थोड़ी कर सकते हैं। अब नहीं तो कब बनेगा राम मंदिर? न्यायालय निर्णय दे कि अब हिंदू समाज का ये जो आस्था का प्रतीक है, जो 25-30 सालों से चला आ रहा है, वो अब बनना ही चाहिए। इस प्रकार का हम सब आग्रह करने के लिए निकलेंगे। इस वक्त देश में चुनावी माहौल चल रहा है और अगले साल 2019 में लोकसभा चुनाव तक चुनाव का ही माहौल रहने वाला है। ऐसे में नेताओं की जुबान पर राम का नाम खूब चढ़ा हुआ है। जनता के बीच में हर कोई राम मंदिर पर अपना बयान लेकर हाजिर है। इस बीच बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने कह दिया है कि अयोध्या में राम लला विराजमान है, उसी स्थान पर भव्य राम मंदिर बने, बीजेपी इसके लिए कटिबद्ध है। अयोध्या में जहां राम लल्ला विराजमान है वही स्थान पर भव्य राम मंदिर बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और ये हमारा देश की जनता को वादा है। राम मंदिर से भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ राम भगवान को, राम मंदिर के मुद्दे को चुनाव के लिए वोट बटोरने के लिए भुनाना चाहते हैं। बीजेपी के पास राम मंदिर पर बयान वीरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस भी श्री राम मंदिर के लिए ना तो नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी की टांग खींचने से भी बाज नहीं आ रही। बीजेपी राम नाम से वोट बटोरने की कोशिश में है तो कांग्रेस को राम नाम से वोट कटने का डर है। हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपस में समझौता जाए उसकी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अगर राम भक्त अपनी कोई या अपनी कोई बात कहना चाहते तो उससे हमारा रोकने का काम नहीं। चुनाव आता है तो राम नाम का कटोरा बीजेपी लेके घूमना शुरू कर देती है। अभी सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस है, राम मंदिर न बने ये कौन चाहता है? सुप्रीम कोर्ट के रवैये से सारी आशाएं छीन हो गई हैं। अब तो सोमनाथ की तर्ज पर लोकसभा से कानून बनेगा, अयोध्या में भगवान का दिव्य मंदिर बनेगा। मर्यादा का मामला, मर्यादा पुरुषोत्तम से जुड़ा हुआ मामला, आज की मर्यादा सुप्रीम कोर्ट जो मर्यादा का व्याख्याता है उसको करनी है तो भरोसा करिए ना। राम मंदिर के लिए बीजेपी की मुश्किल एक नहीं है, कांग्रेस कानून के दायरे में बीजेपी को घेर रही है तो शिवसेना भी अयोध्या की तरफ कूच कर चुकी है। 25 नवंबर को अयोध्या में साधु संतों की महा बैठक है और 24 नवंबर को साधु संतों से मुलाकात करने शिवसेना पहुंच रही है। जर का आजचे दिन हा जुमला होता, प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये येणार हा जुमला होता, तर राम मंदिर हा सुद्धा जुमला आहे का? ह्याचा एकदा सोक्षमोक्ष लावून टाका ना। काय तो कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ना योगी जी जा रहे हैं ना केशव जी जा रहे हैं। दिलचस्प ये भी है कि राम मंदिर को लेकर बाबरी मस्जिद के पक्षकारों के तेवर भी नरम पड़े हैं। हम तो ये भी कहते हैं बनाओ कानून, हमें कोई इतराज नहीं है,
अगर देश में अमन चैन रहता है तो कानून बने, हमें कोई इतराज नहीं। देश के शांति और सौहार्द के लिए, देश की समृद्धि के लिए जो भी हल उत्तम हो मैं उसके पक्षधर में हूँ। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि देश में राम मंदिर से बड़ा दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। सियासत सुलग रही है, एक्शन भी दिख रहा है, लेकिन इन सब के बीच ये समझना जरूर मुश्किल हो रहा है कि ये राम मंदिर की तैयारी हो रही है या सिर्फ माहौल बन रहा है। आज तक ब्यौरा।